साहब दुनिया में जब गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज आई थी तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतना रियलिस्टिक सिनेमाटोग्राफी देखने की आदत नहीं थी। और वो जो इतनी बेहतरीन तरीके से हमें पेश करी गई, जहां पर सब कुछ खोल के दिखाया गया है विदाउट एनी झिझक, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया, और उसकी अपार सफलता के बाद उसके मेकर्स ने इसके सिक्वल लाने की ठानी, हाउस ऑफ द ड्रैगन, जिसका सीजन 1 हम पिछले साल देखकर आ चुके हैं और सीजन 2 के लिए जद्दोजहद होड़ अभी मची पड़ी है, क्योंकि इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। भाई कब होने वाला है? नेक्स्ट वीक में होने वाला है। कब? 21st से लेकर 25th ऑफ मार्च के बीच में कभी भी हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, जो अभी 1.5-2 महीने पहले हमें टीजर देखने को मिला था, जो वाइब देके गया है भाई, हाइप सेट करके गया है, एक्साइटमेंट देके गया है। और ये सीजन 2 हमें कब देखने को मिल जाएगा? जून में हमें सीजन 2 देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसके फैन हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के, हाउस ऑफ द ड्रैगन के, तो भाई आप किसके लिए वेट कर रहे हो? नो डाउट एक ही चीज के लिए वेट कर रहे हो, डेमन टारगेरियन वर्सेस एमन टारगेरियन, क्योंकि ये चचा भतीजी की लड़ाई जो डेडलीएस्ट लड़ाई होने वाली है, जहां पर कोई भी दया भाव नहीं दिखाया जाएगा। ऊपर से ये ऐसे दरिंदे हैं जिनके पास खुद आग उगलते ड्रैगन्स हैं। तो भाई ये है हॉलीवुड की महाभारत, जहां पर भाई भाई को मारेगा, चचा अपने भतीजे को मारेगा, भतीजा अपने चचा को मारेगा, और ये सारी चीजें मतलब आपस परिवार में ही ये लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज वहां से जनरेट हुई है सीजन 1 से। अगर आपने देखी तो आपको मालूम होगा, उसके आगे मैं ब्रीफली बताऊंगा। देन भाई साहब एलिसेंट वर्सेस रेनीरिया टारगेरियन भी, ये वाला पोर्शन भी बहुत हैवी है, क्योंकि एलिसेंट का जो पिता है कौन है? ओटो हाईटावर, जो राइट हैंड था किसका? अपने किंग का, जो किंग्स लैंडिंग पे राज कर रहे हैं, जो 7 किंगडम्स पे राज कर रहे हैं। तो ओटो हाईटावर ने अपना दिमाग लगाया और राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया, और उसकी संतान को जो मतलब किंग्स लैंडिंग पे जो राजपाट नहीं मिलना था, क्योंकि ऑनेस्टली राजपाट किसे मिलना था? रेनीरिया टारगेरियन को, तो उसे कूटनीति के हिसाब से बाहर कर दिया है, और रेनीरिया टारगेरियन अपने उस राजपाट को पाने के लिए ये सारी जद्दोजहद चलाई जा रही है, जिसमें डेमन वर्सेस एमन टारगेरियन एक पार्ट है, जो भाई लिटरली डोमिनेंट पार्ट है। यहाँ पर कैरेकस वर्सेस वागार ड्रैगन्स की बात करें तो भाई साहब डेमन टारगेरियन कैरेकस ड्रैगन को चलाता है, जो फुल स्किलफुल, जो सिर्फ वॉर के लिए बनाया गया है, जिसने बहुत सी वॉर्स लड़ी हैं। और उसके बाद वागार जो एमन टारगेरियन चलाएगा, वैगार आप जानते हो, हैवी ड्रैगन, जिसने सबसे छोटे बास्टर्ड सन को वैगार खा गया था लास्ट में, और वहीं से ये ज्वालामुखी चलती है इन दोनों हाउसेस के बीच में लड़ाई होने की। लेकिन डेमन टारगेरियन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बहुत से लड़ाइयां लड़ने का, तो दूसरी जगह एमन टारगेरियन अभी उसके सामने बच्चा ही है। लेकिन 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 एक न्यूज का ये भी सुनी आपने कि भाई एमन टारगेरियन का रोल कौन प्ले करने वाला है? फिलहाल ये रूमर्स ही है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। भाई हेनरी कैविल का नाम आ रहा था, यानी अपने सुपरमैन भाई साहब, यानी अपने विचर का यहाँ नाम आ रहा था कि एमन टारगेरियन का रोल ये प्ले कर सकता है। अगर ये रोल प्ले इसके खाते में चला गया तो भाई ये जो आमने सामने की लड़ाई होगी वो और भी ज़्यादा दमदार हो जाएगी। तो भाई साहब सीजन 1 में सिर्फ पॉलिटिक्स चली है, मतलब असेंबल्स हुआ है कि ये मेरे साइड आके लड़ेगा या वो मेरी साइड आके लड़ेगा, तो ये सारी असेंबल्स हमें वहां देखने को मिली। लेकिन इसको आग कौन देके गया है? एक ऐसा एक्सीडेंट जो भाई नहीं होना था, खुद एमन टारगेरियन भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब ये एक मुझे याद नहीं आ रहा है उस राजा का नाम, उसके पास जाते हैं कि तुम मेरी साइड से लड़ो, तो वहाँ पर एमन टारगेरियन और रेनीरिया टारगेरियन का जो बास्टर्ड सन है छोटा वाला, वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक पास्ट रहा है जहाँ जो बास्टर्ड सन है जिसने उसकी आंख फोड़ दी थी, किसकी? एमन टारगेरियन की। तो वो भाई उससे बदला लेना चाह रहा था, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाह रहा था, उसे सिर्फ बुली करना चाह रहा था। लास्ट में वागार जो एमन टारगेरियन का बहुत बड़ा ड्रैगन है, और जो बास्टर्ड सन है छोटा वाला, उसके पास कोई न्यू ड्रैगन ही था, तो वो छोटा ड्रैगन भाई वागार से भिड़ जाता है, और वागार को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। दैट्स वाई कि वो उस बास्टर्ड सन के साथ ही उस ड्रैगन को ही खा जाता है, और यहाँ से कहानी शुरू होती है, यहाँ से भाई लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी, और सीजन 2 में बस मार धाड़ यही देखने को मिलने वाला है। कितना वेट है कितना नहीं जरूर बता के जाने नीचे कमेंट बॉक्स पर, और भी सीजन 1 में क्या क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट रही हैं जरूर हमारे साथ शेयर करके जाना, और इसके लिए कितना एक्साइटमेंट है सीजन 2 के लिए, और तुम्हारी तरफ से क्या प्रेडिक्शन निकलता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्या इसी सीजन में रेनीरिया टारगेरियन को क्या कहते हैं थ्रोन्स मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, वो भी बता के जाना। बाकी मिलते ही नहीं मिलने पर जय हिंद।